हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है फाइंड टू नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। हुज सम इज 27, हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 और उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे एक चीज है कि सम उन टू नंबर्स का जो सम है वो 27 है। अब अगर वन नंबर अगर 7 है तो सेकंड नंबर जो होगा वो कितना होगा? 20। अगर वन नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 होगा, क्योंकि सम दोनों नंबर का कितना है? 27। वन नंबर अगर 20 है तो सेकंड नंबर 7 होगा। अब देखो, वन नंबर का सेकंड नंबर के साथ रिलेशन कैसे है कि वन नंबर अगर 4 है तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आप उसको 27 में से 4 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 23। वन नंबर अगर 7 है तो दूसरा नंबर निकालने के लिए 27 में से 7 को माइनस कर दे, 20 आ जाएगा। वन नंबर अगर 13 है तो सेकंड नंबर फाइंड कर दे तो 27 में से 13 को माइनस कर दे, 20 है तो 27 में से 20 को माइनस कर दे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से तो यहां पे एक कंक्लूजन ड्रा हो जाता है कि वन नंबर अगर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या होगा? 27 में से एक्स को माइनस करने से मिलेगा। जैसे जैसे ये बदलता रहेगा ये भी बदलता रहेगा हमारे पास। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो हमने वन नंबर एक्स मान लिया, देन अदर नंबर या सेकंड नंबर कितना होगा? क्योंकि दोनों का सम 27 है तो अगर एक नंबर x है तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स होगा। बस ये आपको ये समझना है। अब देखो, सम तो यूज कर लिया हमने, ये यूज करना रहेगा। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो टू नंबर सम का प्रोडक्ट कितना है? 182। तो टू नंबर का जो प्रोडक्ट 182 है, जिस इंप्लाइज ये टू नंबर्स है तो एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स के तो वो कितना आएगा? 182। तो यहां से 27x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले आए, माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0। इसको लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहां पे हमारे पास सम होना चाहिए माइनस 27 और प्रोडक्ट होना चाहिए 182 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो 182। यहां से अगर हम देखें 13 की और 13 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 होते हैं, तो इस तरह से अगर हम 14 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 पूरे हो जाएंगे। 13 की 4 पे 52 का 2 5 कैरी चला जाएगा और 13 और 5 18 तो हो जाते हैं। अब सम माइनस 27 है तो यहां भी माइनस लगा देते हैं और यहां भी माइनस लगा देते हैं। अब सम माइनस 27 हो गया, प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हम एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं इनको, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन लिया तो यहां x और ये साइन चेंज हो जाएगा x माइनस 14, 13 कॉमन लेंगे इसमें से तो 14 बच जाएगा। अब x माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 13,
एक्स माइनस फोर्टीन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन, और यहां से एक्स माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू थर्टीन। तो यहां एक्स की टू वैल्यूज आएंगे। तो बात करें अगर हम केस वन की, केस वन वन एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन, तो वन नंबर ये हमारे पास एक्स है यानी कि फोर्टीन आ गया, और अदर नंबर ये हमारे पास 27 माइनस एक्स है यानी कि 27 माइनस फोर्टीन ये हमारे पास 13 है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें केस सेकंड की, व्हेन एक्स इज 13, तो वन नंबर हमारे पास एक्स है तो ये 13, तो अदर नंबर ये क्या है 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 13 कितना आ गया 14। तो यहां पे हमसे पूछा गया था फाइंड टू नंबर्स, ऐसा नहीं कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसा नहीं कोई फर्स्ट कोई सेकंड, टू नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। यहां से नंबर्स हमारे पास कौन से आए 14 और 13, यहां से हमारे पास नंबर कौन से आए 13 और 14, सेम ही रहे कोई फर्क तो नहीं। सो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स आर 14 एंड 13, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इनकी जब सम करेंगे तो 27 बनेगा, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, हमने इसकी वेरिफिकेशन भी कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर फोर की, तो इसमें कहा गया है कुछ इसी तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ होज स्क्वेयर्स इज 365। तो हमें टू कंसेक्यूटिव लगातार, एक अगर पॉजिटिव इंटीजर सिक्स है तो दूसरा क्या हो सकता है, या तो वो फाइव हो सकता है या फिर वो सेवन हो सकता है। एक अगर एट है तो दूसरा क्या हो सकता है, नाइन हो सकता है या फिर सेवन हो सकता है। तो सिंपली हम एक प्लस करके अगला निकाल देते हैं, क्योंकि अगर पिछले की तरफ जाएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर को एक्स मान लेंगे तो दूसरा या तो एक्स माइनस वन मानना है या एक्स प्लस वन मानना है, तो हम प्लस वाला मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से कर लेते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एक्स है तो सेकेंड क्या हो जाएगा उससे अगले वाला यानी कि एक्स प्लस वन, आप चाहें तो एक्स माइनस वन भी ले सकते हैं। अब यहां से स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो गई। तो यहां पे अगर इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, देन अदर पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि कंसेक्यूटिव है लगातार है, एक अगर सिक्स है तो अगला सेवन होगा, एक अगर टेन है तो अगला टेन प्लस वन यानी कि इलेवन होगा, एक अगर एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा। अब यहां पे आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है उसका यूज कर दो बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इनके स्क्वेयर्स और उसका सम,
सम ऑफ हूज स्क्वेयर्स, एक्स का स्क्वेयर और एक्स प्लस वन का स्क्वेयर और इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। बस इसको सोल्व करना है। यहां पे एक्स स्क्वेयर यहां मल्टीप्लाई अप्लाई कर दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से वन का स्क्वेयर तो वन ही होगा, टू ए बी से टू इंटू एक्स इंटू वन यानी कि टू एक्स मिल जाएगा। ये 365 टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स और प्लस वन दैट इज इक्वल टू 365 एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर, ये टू एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू 365। इसको भी इधर ले आते हैं, टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन माइनस 365 दैट इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस 364 दैट इज इक्वल टू जीरो। टू से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय टू वी गेट, यहां पे जब टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां पे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहां पे आपके पास सम कितना होना चाहिए, सम ये होना चाहिए आपके पास वन, और प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, माइनस 182 और एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट वन है तो माइनस 182। अभी हमने 182 के लिए किया था, 14 और 13 था, सम 1 है तो 14 प्लस कर लेते हैं और 13 माइनस कर लेते हैं, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की 182 हो जाएगा। अब चेंज कर देते हैं एक्स की जगह पे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमारे पास एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स बचा और ये प्लस के 14 बचे, क्योंकि 182 होता है 13 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो 13 बाहर चला गया तो 14 रहेगा। अब एक्स प्लस 14 हमने कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, अब एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 14 और एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू 13। अब उसने कहा था टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये तो नेगेटिव हो गया तो इसको हम रिजेक्ट कर देते, रिजेक्टिंग ये रिजेक्ट कर दिया हमने। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू 13 है, एक ही केस बचा, सो वन नंबर दैट इज इक्वल टू एक्स यानी कि 13 और अदर नंबर या सेकंड नंबर वो हमारा x प्लस वन यानी कि 13 प्लस वन 14 हो जाएगा, तो सो रिक्वायर्ड अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आप देखिए उसने कहा कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव है इनका स्क्वायर, 13 का स्क्वेयर होगा 169, 14 का स्क्वेयर होगा 196, इनको प्लस करते हैं 15 से 5, 15 और 1 16 से 6 और 1 365, तो इनके स्क्वेयर्स का जो सम किया, इनके स्क्वेयर्स निकाले और उनका सम किया तो 365 बन रहा है, यही है हमारा, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर था 4th और 15 में ही बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, इसमें कहा गया द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज
7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। जो बाकी की टू साइड्स हैं वो हमें फाइंड करनी है। यहां पे पहले बच्चों आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ले, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, सपोज करो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कहा गया था एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है, एल्टीट्यूड है जो वो बेस से 7 लेस है, यानी कि बेस 7 ज्यादा है, ग्रेटर है एल्टीट्यूड से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज बता दिया कि ये 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी कि एल्टीट्यूड और बेस हमें निकालना है। अब एल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है, हम क्या मान लेंगे, लेट एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी कह देते हैं, या सीधा ही राइट ट्रायंगल भी कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, देन बेस ऑफ राइट ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू। अब जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है, तो अगर ये 3 है तो ये 10 होगा, अगर ये 17 है तो ये 10 होगा, क्योंकि ये 7 लेस है। अब इससे सोच के इसके बारे में सोचेंगे तो लेस करेंगे, अगर इसको सोच के इसके बारे में सोचेंगे क्योंकि ये ज्यादा है, इसको सोच के इसके बारे में सोचेंगे क्योंकि ये ज्यादा है तो इसको प्लस करेंगे, और इसको सोच के इसके बारे में सोचेंगे क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है तो माइनस करेंगे। अब हम इसको एक्स मान रहे हैं और ये बेस है, जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है, यानी कि बेस एल्टीट्यूड से 7 ज्यादा है, तो ये हमारे पास एक्स प्लस 7 हो जाएगा। ये तो एक्स सेंटीमीटर और ये एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल यह है 13 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब पहले बच्चों हमने क्या सीख रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, पाइथागोरस थ्योरम से हमने सीख रखा है। तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक्स प्लस 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 13 स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, आप इसको बहुत डिटेल में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस यहां मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा 7 स्क्वायर 49,
प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू सेवन यानी कि 14x, ये 169 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 169, इन दोनों को प्लस कर दिया, 14x को आगे लिख दिया। अब 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस इधर आके 169 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस के रह जाएंगे, 120 रह जाएंगे हमारे पास, ये 9 कैंसिल हो गए, 16 में से 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 120 आ गए। 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 वी गेट, जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास सम होना चाहिए 7 और प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि माइनस 60। तो आप सोचे इसके बारे में कि क्या हो सकता है कि सम अगर करें तो वो 7 आए और प्रोडक्ट करें तो माइनस 60 आए। अगर मैं 12 और 5 ले लूं तो 12 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, सम करेंगे तो 17 आएगा। अगर मैं 5 को माइनस का कर दूं तो 12 और माइनस 5 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा। तो ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन, देखो दोनों जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस 12, वैसे भी ये दोनों सेम आने हैं। अब x प्लस 12 और ये x माइनस 5 दैट इज 0। यहां से अगर हम x प्लस 12 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 12, और यहां से x माइनस 5 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब प्यारे बच्चों यहां पे एक नोट करने वाली बात क्या है, x क्या चीज है, एल्टीट्यूड मींस एक साइड एट्रेंगल की, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नेगेटिव आ है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग। आप लिख सकते हो बिकॉज साइड ऑफ अ ट्रेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू 5 ही बची है, सो अब हम लिख सकते हैं, सो एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू x था हमारे पास मीन्स 5 सेंटीमीटर, एंड बेस ऑफ राइट ट्रायंगल ये हमारे पास x प्लस 7 है, मीन्स हमारे पास 5 प्लस 7 यानी कि 12 सेंटीमीटर। सो द अदर टू साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।